किसी भी व्यक्ति के मन की बात जानने के तीन तरीके होते हैं, लेकिन इन तीनों तरीकों को समझना अनिवार्य है। लेकिन अगर आप इन तीनों तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के भी मन की बात आसानी से जान सकते हैं। तो अब जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, उसे समझने के बाद आपको आसानी से दूसरों के मन में छुपी बातों का पता चल जाएगा। कहानी बड़ी ही छोटी है लेकिन काफी गहरी है, इसीलिए इससे पहले आप उस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था जिसके कारण वह हमेशा घर पर ही बैठा रहता था और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में जंगली जानवर आ जाने की वजह से उसकी फसलें हमेशा खराब हो जाती थी, जिसके कारण छोटा भाई बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। एक दिन उसे एक सुझाव आया कि क्यों ना मैं बड़े भैया की मदद लूं। वैसे भी बड़े भैया अंधे हैं, तो उन्हें मैं अपने खेत में बिठा दूंगा, जिसके कारण जब भी जंगली जानवर आएंगे तो वह खड़े होकर जोर से शोर मचा देंगे, जिससे वे सभी जानवर भाग जाएंगे और ऐसा करने से हमारी फसलें बच जाएंगी। यह सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में एक झोपड़ी तैयार कर दी और उसमें अपने बड़े भाई को बिठा दिया और भैया से कहा कि भैया, जब भी आपको किसी जानवर की आहट सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्ला देना। यह सुनकर वह जानवर वहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसलें भी नष्ट होने से बच जाएंगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और उसी दिन से खेत में रहना शुरू कर देता है। जब भी उसे किसी जानवर की आहट सुनाई देती तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगता, जिसके कारण वह जानवर भी खेत छोड़कर भाग जाते। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए थे। तभी अचानक एक दिन उसके खेत में हिरण भागता भागता आता है और वह खेत के बांध को तोड़कर भाग जाता है। उसी हिरण का पीछा करते करते एक राजा भी उसी खेत में आ पहुंचा। तभी राजा की नजर उस अंधे आदमी पर पड़ती है, तो राजा उस अंधे आदमी से कहता है, देखो मैं यहाँ पर किसी जंगली जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ, क्या तुमने उस जानवर को यहाँ पर देखा है? इस बात पर वह व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं तो अंधा हूँ, भला मैं यहाँ पर किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ? लेकिन हाँ, मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है वह आपके लायक बिल्कुल भी नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय यूं ही व्यर्थ कर रहे हैं। यह बात सुनकर राजा बड़े ही अचरज में पड़ गया। वह सोचने लगा कि यह व्यक्ति तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता चला कि जिस हिरण का पीछा मैं कर रहा हूँ वह मेरे लायक भी है कि नहीं? यह अंधा व्यक्ति भला मुझे कैसे बता सकता है? तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से बोलता है कि कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? एक तरफ तो तुम कहते हो कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता और दूसरी ओर तुम कह रहे हो कि वह जानवर मेरे लायक नहीं है। तो अंधा व्यक्ति बोला, हे राजन, दरअसल जिस जानवर को आप हिरण समझ रहे हो वह हिरण नहीं बल्कि हिरणी है, जो कि गर्भवती है, और जहाँ तक मुझे ज्ञान है मैंने किसी भी राजा को गर्भवती हिरणी का शिकार करते हुए नहीं सुना है, और इसी के कारण मैं आपसे कह रहा हूँ कि वह हिरणी आपके लायक नहीं है। इसीलिए उसका शिकार करने के पीछे आप अपना समय व्यर्थ ना करें। यह बात सुनने के बाद राजा और भी अचरज में पड़ गया। वह सोचने लगा कि भला एक अंधा आदमी कैसे जान सकता है कि वह जानवर कोई हिरण है या फिर हिरणी है। सोच विचार करने के बाद राजा अपने सेनापति से कहता है कि मुझे वह जानवर जिंदा चाहिए, चाहे वह हिरण है या फिर हिरणी है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि वह जानवर कौन है और क्या वह गर्भवती है, क्योंकि यह अंधा आदमी बहुत ही विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि भी करनी है। तभी सेनापति राजा की आज्ञा लेकर आगे की ओर निकल पड़ता है। थोड़ी देर बीत जाने के बाद वह सेनापति वापस आता है और राजा को कहता है कि हे राजन, जो भी इस अंधे व्यक्ति ने बात बताई है वह बिल्कुल सत्य है, वो एक हिरणी ही है और वह गर्भवती भी है। यह बात सुनने के बाद राजा आश्चर्यचकित रह गया था, क्योंकि वह सोच रहा था
भला एक अंधा आदमी इस बात की पुष्टि कैसे कर सकता है कि वह जानवर हिरणी और गर्भवती है? आखिर उसे पता कैसे चला? ऐसा हो कैसे सकता है? ऐसे न जाने कितने सवाल राजा के मन में चलने लगे। अब राजा ने यह ठान लिया था कि मुझे इस बात की तह तक पहुंचना ही है। राजा उस अंधे व्यक्ति के पास जाकर कहता है, देखो मैं ये तो नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो भी कि नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूँ, क्या तुम मेरे प्रश्नों का सही सही उत्तर दोगे? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, आप जो कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। तभी राजा बोलते हैं, देखो एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी ओर तुमने मुझे यह बता दिया कि वह जानवर हिरनी है और तो और वह गर्भवती है। आखिर तुम्हें ये पता कैसे चला? तुम्हारे खेत में और भी तो जानवर आते होंगे, और भी तो जानवर यहाँ से गुजरते होंगे, फिर तुमने यह कैसे अंदाजा लगाया? तभी वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है कि हे राजन, आप जिस हिरणी का पीछा कर रहे थे, जब वह हिरणी मेरे खेत में आई तो उसकी रफ्तार और भागने की आहट से मुझे यह एहसास हो चुका था कि वह एक हिरणी है, और मेरे जो खेत का बांध है उसकी ऊंचाई ज्यादा ऊंची नहीं है, वह काफी छोटा है, और यदि कोई हिरण होता तो उसे बड़ी ही आसानी से लांग जाता। वह हिरणी चाहती तो इस बांध को लांग सकती थी, लेकिन अगर वह छलांग लगाकर इसे लांगने का प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता, इसीलिए उसने स्वयं ही इस बांध को तोड़ दिया, जिससे मैंने यह अंदाजा लगा लिया कि वह गर्भवती है। यह सुनने के बाद राजा के मन में एक प्रश्न और उठा। राजा ने कहा, किंतु तुम्हें यह कैसे पता चला कि वह एक हिरनी ही है? और भी तो जानवर यहाँ आ सकते हैं। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं सुबह शाम यही खेत में बैठा रहता हूँ और मेरे सुनने की क्षमता बहुत तेज है। मैं ये भाव जाता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है, और उसी के आधार पर मैं जोर जोर से शोर मचाता हूँ ताकि वह जानवर मेरे खेत से भाग जाए और मेरी फसलों को नष्ट ना कर पाए। राजा उस अंधे व्यक्ति का जवाब सुनकर पूरी तरीके से संतुष्ट हो चुका था। राजा मन ही मन सोच रहा था, आदमी भले ही अंधा हो लेकिन मन ही मन में बहुत ज्ञानी मालूम पड़ता है, इस आदमी से कुछ ना कुछ काम तो निकलवाना ही चाहिए। यह विचार लिए हुए राजा उस खेत से अपने महल की ओर वापस लौट जाता है। थोड़े समय बाद एक दिन राजा उस अंधे व्यक्ति को अपने महल में बुलवाता है और कहता है कि आप तो बड़े ही ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपको किसी भी बात का आसानी से पता चल जाता है। आज मैंने आपको यहाँ इसीलिए बुलाया है क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, भला ये कैसा प्रश्न हुआ? इस पर राजा कहता है कि हाँ, मैंने बिल्कुल आपसे उचित प्रश्न पूछा है। अंधा व्यक्ति बोला कि राजन, इस बात को जाने दीजिए, आपकी शादी को इतने साल बीत गए हैं, भला अब ये बात जानकर आप क्या करेंगे? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस बात पर राजा जिद करते हुए कहता है, देखिए तुम्हें मुझे इस बात का उत्तर तो देना ही होगा, यदि तुम मुझे इस बात का उत्तर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। यह बात सुनने के बाद वह अंधा व्यक्ति बोला कि हे राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहता है, बोलो मुझे क्या काम करना होगा? इस पर व्यक्ति कहता है कि आपको अपनी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेला छोड़ना होगा। उस व्यक्ति की यह बात सुनने के बाद पहले तो राजा बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है, लेकिन कुछ सोच विचार करने के बाद वह उस व्यक्ति की यह बात मान लेता है। वह अपने सेनापति को आदेश देता है कि तुम इसे और मेरी पत्नी को कुछ देर के लिए कमरे में अकेला छोड़ दो। सेनापति बिल्कुल ऐसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और वह अंधा आदमी एक कमरे में अकेले होते हैं। तभी वह अंधा आदमी रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे आपको छूना है। तो वह रानी अत्यंत क्रोधित हो जाती है और उस अंधे आदमी को पकड़ पकड़ कर पीटने लगती है। किसी तरीके से वह अंधा आदमी अपनी जान बचाकर उस कमरे से भाग निकलकर सीधा राजा के पास पहुंचता है और राजा से कहता है कि हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनने के बाद
राजा अत्यंत क्रोधित हो उठता है और राजा अपनी तलवार निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर निकल पड़ता है। अत्यंत क्रोधित होकर वह अपनी रानी से कहता है, आज जो कुछ भी मैं तुमसे पूछूंगा उसका सच सच जवाब मुझे देना। यदि तुमने कुछ भी झूठ बोला तो मैं तुम्हारा सर दर से यहीं अलग कर दूंगा। राजा कहता है कि रानी बताइए, क्या आप पतिव्रता हैं या नहीं? तभी रानी बोलती है कि राजन, चाहे आप मुझे जान से ही क्यों न मरवा दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। यह बात सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि उस अंधे आदमी ने जो कहा था वह बिल्कुल सच था। यह बात सुनने के बाद राजा तुरंत ही अंधे आदमी के पास पहुंचता है और जाकर उससे कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, बड़ी ही सीधी सी बात है, मैंने तो आपकी पत्नी से कहा था कि मुझे केवल आपको छूना है। और इस बात पर वह इतनी क्रोधित हो गई कि उन्होंने मुझे लात घूसों से पीटना शुरू कर दिया। और भला कोई और औरत किसी अनजान मर्द को कैसे छू सकती है? उन्होंने ना कोई आव देखा ना ताव, बस मुझे पीटना शुरू कर दिया। वह भी तो एक छूना ही हुआ। और एक पतिव्रता नारी कभी भी अनजान मर्द को नहीं छूती। जब मैंने उन्हें छूने के लिए कहा था तब वह मुझे उसी वक्त मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे पीटना ही शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए, ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है? इस पर राजा कहता है, तुम तो बड़े ही ज्ञानी मालूम पड़ते हो। अच्छा ठीक है, तुम मेरे बस एक और प्रश्न का सही जवाब दो। अगर तुमने इसका जवाब मुझे दे दिया तो मैं यहाँ से तुम्हें जाने दूंगा। अब तुम मुझे यह बताओ कि क्या मैं अपने पिताजी का ही बेटा हूँ या फिर किसी और का? इस बात पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आपको इससे क्या लेना देना, आप किसी की भी औलाद हो, आखिरकार आप हो तो इस राज्य के राजा ही, इसीलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। लेकिन राजा कहता है, नहीं नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब चाहिए, अन्यथा यह प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा, इसीलिए मैं इसका सही सही जवाब जानना चाहता हूँ। यदि तुम मुझे इसका सही उत्तर दे देते हो तो मैं यहाँ से तुम्हें जाने दूंगा। इस पर अंधे व्यक्ति कहता है, हे राजन, इस प्रश्न के लिए तो मुझे आपकी माँ के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको चुटकियों में ही बता सकता हूँ, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि मैं जो भी उत्तर दूंगा उस पर आप मुझसे क्रोधित नहीं होंगे। राजा ने कहा कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम पर क्रोध नहीं करूँगा। अंधा व्यक्ति बोला, हे राजन, आप हैं तो अपने ही पिता के पुत्र, लेकिन आप पर किसी कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह सुनने के बाद राजा बहुत ही क्रोधित हो उठा। उसने अपनी तलवार निकाली और वह दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास चला गया। वह अपनी माँ से बोला, माँ मुझे सच सच बताइए, क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूँ या नहीं? यदि आपने मुझे सही सही नहीं बताया तो मैं अपने प्राण यहीं पर त्याग दूंगा, मुझे बताओ क्या सच है। इस पर उस राजा की माँ कहती है कि बेटा, तू है तो अपने ही पिता का पुत्र, लेकिन तुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह आईने में देख रही थी, तभी मुझे उस कांच के पीछे एक कंजूस सेठ नजर आता है और उसी की छाया तुम पर पड़ चुकी है। यह सुनने के बाद राजा खुश हो जाता है और वह दौड़ा दौड़ा अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम्हें यह कैसे पता चला कि मुझ पर किसी कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आपने मुझसे कई सवाल पूछे जिसका सही सही उत्तर मैंने आपको दिया है। यदि कोई और राजा होता तो इसके बदले मुझे ढेर सारा इनाम मिल चुका होता, लेकिन अब तक आपने एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी है। इस बात से ही मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आप बहुत कंजूस हो। यह बात सुनने के बाद राजा जोर जोर से हंसने लगा और कहता है, आप जो भी मांगेंगे मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत? तुम किसी भी बात का सही और सटीक जवाब कैसे दे पाते हो? इस पर वह अंधा आदमी बोलता है कि हे राजन, मैं तो वैसे भी अंधा हूँ, यदि मेरे पास आंखें होती तो मैं किसी के भी मन की बात बड़ी ही आसानी से जान लेता। मन की एक भाषा होती है और ये भाषा मनुष्य के व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है। उसकी आँखों से, उसके होठों से, उसके काम करने के तरीके से, उसकी क्रियाओं से पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बात जान सकते हैं। लेकिन मैं तो अंधा हूँ,
मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं क्रियाओं से देखता हूँ। यदि मुझे कुछ बात जाननी हो तो अगले आदमी को कुछ काम देना पड़ता है जिस पर वह व्यक्ति किस प्रकार से काम करता है, किस तरीके से वह काम करता है। उस बात के आधार पर ही मैं यह पता कर पाता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी वह राजा कहता है, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि मैं भी किसी के मन की बात जान सकता हूँ। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, अवश्य आप भी किसी भी व्यक्ति के मन की बात जान सकते हैं, किंतु उससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा, और वह काम है अपने मन को शांत करना, अपने मन को वर्तमान में लाना होगा, जिसके लिए मैं आज आपको तीन तरीके बताने वाला हूँ। और यह तीनों ही तरीके बड़े ही आसान और सरल हैं, लेकिन हे राजन, उससे पहले आपको एक काम करना होगा, अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, वर्तमान में लाते हैं, तभी हम दूसरे के मन की बात को जान सकते हैं, क्योंकि वह आदमी अभी भी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा है, और हमें भी मन को वर्तमान में ही लाना होगा, तभी हम उसके मन की बातें जान सकते हैं। यदि हम अतीत में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं, तो वह अगला आदमी जो वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में अपने मन में बातें कर रहा है, वह हम कैसे जान पाएंगे, क्योंकि हम तो अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसीलिए किसी के भी मन की बात को जानने के लिए सबसे पहले हमें हमारे मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। आगे वह व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, जो तीन तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, इन तीन तरीकों से आप किसी के भी मन की बात को आसानी से जान सकते हैं। आगे बोलते हुए वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, सबसे पहला तरीका है आँखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बात करते समय उसकी आँखों पर देखना, उसकी आँखों में ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आँखें बोलती तो कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ कह जाती है। यदि हम किसी व्यक्ति की आँखों के इशारों को समझना सीख जाएं, तो हम ये जान पाएंगे कि उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है, और अभी वह क्या करने वाला है। मेरे पास आँखें तो नहीं है, लेकिन मैंने अपने गुरु से यह विद्या सीखी है, क्योंकि बहुत समय पहले मेरे पास आँखें थी और मैं लोगों की मन की बातें केवल उनकी आँखों में देखकर ही समझ लेता था। इसीलिए अगर आप भी दूसरों की मन की बात जानना चाहते हैं, तो उनकी आँखों पर गौर करिए, जैसे कि उनका आकार कैसा है, वह कब, कहाँ और किधर देख रहे हैं। यदि उसकी आँखें यहाँ वहाँ घूम रही हैं, जब आप उनसे बातें कर रहे हैं, कभी ऊपर तो कभी नीचे, या कभी दाएं कभी बाएं, या फिर उसकी आँखें खुश नजर आ रही है या फिर निराश नजर आ रही है, जैसे कि कोई चोर होता है, जब हम उसकी आंखों में देखते हैं, तो हमें यह पता चल जाता है कि अगले आदमी ने कोई गलती की है। वैसे ही किसी चालाक व्यक्ति की आंखों में आप देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उसकी आंखों में एक भाषा होती है, एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका होता है। यदि आपको पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है या फिर सही, तो आपको उसकी आंखों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि आपसे बात करते वक्त वह व्यक्ति अपनी आंखें यहाँ वहाँ घुमा रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं या फिर गोल गोल, इसका स्पष्ट अर्थ है कि वह आपकी बातों से बाहर निकलना चाहता है। यदि कोई सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कहने का प्रयास कर रहा है, तो वह आपसे नजर नहीं मिलाएगा, क्योंकि उसे डर है। यदि उसने आंखों में आंख डालकर देखा, तो उसका झूठ वहीं पकड़ा जाएगा। ठीक उसी प्रकार चेहरे के हाव भाव होते हैं, जिससे हम मन की बातें आसानी से समझ सकते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे पर गौर करेंगे, तो आप उसे आसानी से समझ पाएंगे, व्यक्ति निराश है या बहुत खुश है, या फिर उसे बहुत बड़ा दुख है, वह अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है। यह सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से महसूस कर सकते हैं। चाहे इंसान अपनी जुबान से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ मालूम कर सकते हैं। आगे व्यक्ति राजा को तीसरा तरीका बताते हुए बोलता है, हे राजन, इसी प्रकार तीसरा तरीका भी है, यानी तीसरी भाषा भी है, और वह है हाथों के इशारे और शरीर का व्यवहार। हाथों के इशारे और शरीर के व्यवहार को समझना बहुत ही आवश्यक है। कोई व्यक्ति जब बात करता है, तो आपने देखा होगा कि वह अपने हाथों से इशारे बनाता रहता है, और यदि नहीं गौर किया
तो अवश्य करना। हाथों के साथ साथ जो शरीर का व्यवहार है यानी बॉडी लैंग्वेज, उसका भी उपयोग करता है, जिससे हमें यह पता चल पाता है कि वह व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ मटकाने, शरीर मटकाने और चेहरे पर बार बार हाथ लाने, हाथों को एक दूसरे से मसलना, ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती हैं। उस पर हमें ध्यान देना अति अनिवार्य है। मन की बात को समझने के लिए हमें शरीर के व्यवहार को भी समझना पड़ता है। यदि हम इन तीन तरीकों को सही तरीके से ध्यान देकर समझ लेते हैं तो हम बड़ी ही सरलता से और जल्दी ही यह पहचान लेंगे कि किसी भी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। इसीलिए अगर आपको भी किसी के मन की बात जाननी है तो आपको उसकी आंखों पर, उसके चेहरे पर, उसके शरीर के हाव भाव पर और उसके हाथों को ध्यान पूर्वक देखना और समझना होगा, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है और वह क्या सोच रहा है। लेकिन उससे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, अपने मन को शांत करना होगा और उसे वर्तमान में लाना होगा, तभी आप उस व्यक्ति की इन सभी क्रियाओं पर ध्यान दे पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे। अन्यथा यदि आप अतीत की घटनाओं में व्यस्त हैं, भविष्य की योजनाओं में व्यस्त हैं, तो आप उस व्यक्ति के हाव भाव पर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे और ना ही आप कभी समझ पाएंगे कि आखिर उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है। आपने यह देखा ही होगा कि कितने बड़े बड़े संत महात्मा हैं जो बड़ी ही शांति से आपको देखते हैं और देखकर ही बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, कि आप उनसे क्या जानने आए हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण यही है कि वह आपको पढ़ सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, आपकी मन की बातें जान सकते हैं, क्योंकि उनका मन एकाग्र है, शांत है। और यही कारण है कि वह आपकी मन की बातें बड़ी ही सरलता से समझ जाते हैं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी ऐसी ही ज्ञान से भरपूर कहानियाँ लेकर आ सकूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।